हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बना के दिखाऊंगा आरबी और आरजी एलईडी जो होते हैं उसको किस तरह से मिक्स करके आप उसमें एक झालर बना सकते हैं। 50 एलईडी की झालर रहेगी, पूरी पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो को फटाफट शुरू करेंगे। उससे पहले भाई लोगों का कमेंट था कि आप जो प्रैक्टिकल डायरेक्ट बताते हैं उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से थ्योरी समझा देता हूँ किस तरह से क्या है, किस तरह से कनेक्शन होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों इस टाइप की एलईडी रहती है जिसमें एक बड़ी टंग रहती है जो कि पॉजिटिव रहती है एलईडी की, और छोटी वाली माइनस रहती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आरबी और आरजी, यानी कि रेड ब्लू, एक बार रेड ब्लू जलेगा फिर रेड ग्रीन ऐसा चलेगा। ये 25-25 का 25 बल्ब प्लस 25 बल्ब का हम इसमें सीरीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज किस तरह से होगा मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ क्या क्या चीज इसमें लगेगा। सबसे पहले तो इसमें लगेगा एक सर्किट यूनिट जिसमें आप एसी इनपुट देंगे तो आउटपुट में आपको डीसी ही आउटपुट मिलेगी जो कि है 50 एलईडी को जलाने के लिए कैपेबल होगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी सर्किट लगेगी इसमें। उसके बाद 25-25 करके 50 पीस का एलईडी लगेगा, आरबी का 25 बल्ब लगेगा, आरजी का 25 बल्ब लगेगा। ठीक है, और इसको सीरीज किस तरह से बनाना है तो मैंने कुछ एलईडी इसमें ड्रॉ कर दिया हूँ। और इसमें आप एक एलईडी, सबसे पहला एलईडी आप आरबी लगाए या आरजी लगाए, उस तरह से ये डिवाइड होगा। तो मैं अगर आप यहाँ पे आरबी एलईडी लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे आरजी लगाना होगा, फिर आरबी, फिर आरजी। तो सबसे पहले उसको करना क्या है कि इसमें सप्लाई का कनेक्शन करना है, वो भी सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन करने के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस रखते हैं सारा एलईडी का, लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस रहेगा। राइट हैंड साइड में आप अगर प्लस रखते हैं तो राइट हैंड साइड में आपका प्लस रही प्लस ही चलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक एलईडी का माइनस के साथ दूसरी एलईडी का प्लस के साथ इसको इस तरह से जोड़ देनी है। ठीक है, फिर इस तरह से ये जोड़ देनी है, इस तरह से इसको जोड़ देनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इसकी जो माइनस है ये चले जाएगी इसकी प्लस के साथ। तो ये बीच में जो डॉट दिया हूँ दोस्तों, इसमें आपका पूरी जैसे कि ये 1 2 3 4 है डॉट रखे, यहाँ पर लास्ट में जो आएगा आपका 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर और एक आएगा इसमें यहाँ पे 50 नंबर का एलईडी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आरजी ख़त्म हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे आरबी, फिर आरजी, फिर आरबी, फिर आरजी, फिर आरबी। ठीक है, तो इस तरह से रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू करके आपको ये सीरीज कंप्लीट करना है 50 एलईडी तक, ये आपको लेके चलना है। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस, इसका माइनस के साथ इसका प्लस, इसके माइनस के साथ इसकी प्लस, इसके माइनस के साथ इसकी प्लस, इसके माइनस का इसकी प्लस, ये लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों एक आपका माइनस बच जाएगा, स्टार्टिंग में आपका ये प्लस रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सर्किट में आपका डीसी आउटपुट निकलेगा उसमें एक तरफ आपका प्लस मिलेगा, एक तरफ आपका माइनस मिलेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, प्लस वाला को यहाँ पे, प्लस वाला का जो डीसी आउटपुट है जो कंट्रोलर से निकलेगा आपको सब सर्किट सप्लायर से, वो वाली केबल आपको इसमें प्लस में दे देनी है। वोल्टेज आपका कुछ इस तरह से सप्लाई रहेगा। ठीक है, कुछ आगे जैसे चलेगा लास्ट 50 एलईडी के बाद इसकी जो माइनस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट आपका आ जाएगा इसकी यहाँ के स्टार्टिंग, इसकी माइनस के साथ ये एड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक लंबी वायर आपको डालनी पड़ेगी पूरी सीरीज में। ठीक है, तो वोल्टेज आपका सप्लाई कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि सीरीज कंप्लीट होना चाहिए। एक तरफ प्लस से एलईडी के होते हुए जाएगा, फिर रिटर्न आके माइनस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सर्किट है दोस्तों इसमें 40 से 50 एलईडी आराम से ग्लो करेंगे बिना रेजिस्टेंस के साथ। तो सेम टू सेम कनेक्शन इसमें मैं आपको सर्किट में जैसे बताया हूँ थ्योरी में, उस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए कौन कौन सा कंपोनेंट जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सीरीज बनाने के लिए आपको एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये एक एलईडी है 50 25 1000 पीस का है, 1000 पीस का पैकेट है, इसमें 25 एलईडी निकाल लूँगा, इसमें 25 एलईडी निकाल लूँगा। ठीक है, आरबी और आरजी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ इसमें यूज करने वाले हैं 6 सेपारेटर जो कि एक ट्रांसपेरेंट सेपारेटर है, और ट्रांसपेरेंट वाला भी स्लीविंग आता है तो वो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं ट्रांसपेरेंट वाला एक सेपारेटर का यूज करूँगा, लेग सेपारेटर बोलते हैं इसको। और उसके बाद ये 5 mm की
जो एलईडी का साइज रहती है दोस्तों 5 mm होती है, 4.8 आ गया है अभी, 8 mm आ गया है, 12 mm आ गया है, 10 mm आ गया है, बहुत सारे वेराइटी का आ गया है, तो उसी हिसाब से आपको स्लीपिंग को भी जरूरत पड़ेगा। तो ये पूरी मार्केट के हिसाब से ही पूरा बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज करने वाला हूँ, 0.5 mm का है स्लीपिंग, ठीक है। इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी केबल की, जो कि मेरे पास यहाँ पे है 840 का है, यहाँ पे 940 भी आता है, 840 भी आता है। इससे और ऊपर जाएंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो मोटी आएगी, और इसके नीचे जाएंगे तो वो पतली आएगी, वो आपका मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। उसके साथ आपको इस टाइप एक फर्मा रेडी करना होगा लकड़ी में, जो कि 25 LED आप यहाँ पे एक ही बार में सोल्डर कर पाएंगे इजी तरह से। उसके बाद स्लीपिंग को हिट करने के लिए आप माचिस या लाइटर का यूज कर सकते हैं, या आपके पास हॉट एयर मशीन है या फिर हॉट ब्लोअर है तो उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले उसको आपको इसमें साइज आपको मेजरमेंट करनी है, आपको 7 इंची में चाहिए, 9 इंची में चाहिए, 12 इंची में चाहिए, या आपका 5 इंची में चाहिए, आप एलईडी को एलईडी कितना गैप आपस में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 इंची का गैप करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है 8 इंची या 7.5 इंची का गैप मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया, ये 9 इंची का है, ये मेरा 13 इंची का है, ये मेरा मार्किंग है। तो एक छोटा बनाएंगे सेट, और उसके बाद बड़ा सेट चाहें तो आप बड़ा सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 9 इंची का अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप की इस साइज़ का आएगा, एक एलईडी को एक एलईडी का जो गैप है, और 9 इंची कटिंग के बाद एक एलईडी को एक एलईडी जो मिलता है वो 7.5 इंच के लगभग आपको मिलता है। इस टाइप की सर्किट बॉक्स के अंदर में है, इस टाइप की इसमें लग के ये रेडी होगा, ठीक है। तो फटाफट चलिए दोस्तों कट करते हैं मेजरमेंट करके। तो 50 बल्ब के लिए आपको 51 पीस कटिंग करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट कटिंग कर लेता हूँ वायर को। तो इसमें थोड़ी सी टाइम लगता है दोस्तों, तो फटाफट इस तरह से मैं 51 पीस कट कर ले रहा हूँ। एक झालर में आपको 50 से 51 पीस वायर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, आप इस तरह से कट कर सकते हैं मेजरमेंट में। तो ये मैं 9 इंची ले रहा हूँ, 9 इंची और 9 इंची के आपको 7.5 इंची का मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको और बड़ी भी कर सकते हैं, अगर बड़ी करेंगे तो आपका जो पुट है वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से फटाफट कट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये वाली को भी कट करनी है, और स्लीविंग को भी इस तरह से 50 पीस के लिए कट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वायर कटिंग हो चुका है, उसके बाद चलिए सेपरेटर को कट करते हैं, और इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं एलईडी और शोल्डर के बीच में, शोल्डिंग कितना करेंगे लेग को उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद रख के आपको कट करना है, आपको 1 इंची रखे या 1 इंच से छोटा रखे, ठीक है, जो भी रखना है आपको एक साइज में ही आपको रखना है। तो लेग सेपरेटर भी कट के रेडी हो चुका है 50 पीस का, और स्लीविंग को कट करना है। स्लीविंग को इस तरह से कट करना है दोस्तों कि ये स्लीविंग की हाइट साइज जितनी है प्लस एलईडी में आपको लगभग 3 mm का, ठीक है, 2 से 3 mm तक, 2 से 2.5 mm या 3 mm तक कवर करना है एलईडी को, ठीक है। और एलईडी को कवर नहीं करेंगे, जिस तरह कि मैं आपको एक एलईडी दिखाता हूँ, ये है एलईडी, अगर एलईडी को मैं कवर नहीं करूँगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से कवर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कवर करके। एलईडी को इतना अगर कवर नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ये मजबूती भी नहीं बनेगा प्लस वाटरप्रूफ भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से रख के आपको थोड़ी सी बड़ी कट करना होगा। तो ये मेरे को परफेक्ट साइज लग रहा है, तो इस तरह से मेरे को 50 पीस कट करना होगा। तो इस तरह से कट करके आपको दिखाता हूँ, पूरी रेडी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 पीस वायर, 50 पीस लेग सेपरेटर और 50 पीस हीटसिंग ट्यूब यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब चले दोस्तों मैं यहाँ पे 2 कलर का एलईडी लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं RB लूँगा और उसके बाद RG लूँगा, ठीक है, रेड ब्लू रेड ग्रीन, तो इस तरह से रहेगा ये। तो इसमें 25 पीस, इसमें 25 पीस। तो RB मेरा यहाँ पे 25 पीस हो गया है, उसी हिसाब से RG यहाँ पे 25 पीस लूँगा। तो ये होने के बाद दोस्तों उसके बाद इसकी टांग को छोटी करनी होगी, छोटी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कलर इसमें किस तरह से फ्लैशिंग होगा, देखिए ये RB है रेड ब्लू, और इस तरह से ये है RG रेड ग्रीन, एक के बाद एक लगेगा, RB के बाद RG, RB के बाद RG, इस तरह से लगेगा।
RBRG इस तरह से 25 का सेट करेंगे, और उसके बाद इसको रेडी करने के बाद फिर 25 का सेट फिर करेंगे, तो यानी कि 50 पीस का हो जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट मैं लेग को छोटा कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसमें जो जो स्टेप होगा मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद वायर को भी छिलनी होगी, तो एक ही साथ मैं यही काम कर लेता हूँ, वायर भी छिला जाएगा दोनों तरफ से, और उसके बाद इसकी लेग भी कट होगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसमें LED को सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो RB को लूँगा, और उसके बाद मुझे यह भी ध्यान रखना है कि प्लस मेरा एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि प्लस मेरा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, आपका राइट हैंड साइड भी चल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसमें एक LED RB का यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, उसके बाद सेकेंड LED में RG का कनेक्ट करूँगा। ठीक है, इस तरह से फिर RB, उसके बाद फिर RG, तो इस तरह से मुझे ये सेट करनी है, एक RB का एक RG का, और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरा एक प्लस मेरा एक ही डायरेक्शन में चले। तो इसमें सीरीज रेडी करना है। ठीक है, कि माइनस में एक जोड़ दिया हूँ वायर, फिर उसी वायर को लेके मैं इसकी प्लस में जोड़ूंगा। तो एक का प्लस के साथ दूसरा का माइनस इस तरह से जुड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे जोड़ते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाकी का रेडी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सोल्डिंग का काम हो गया है, तो यहाँ पे LED काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ पे एक ही बार में 20 सेट रेडी हो गया है। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा ये कनेक्शन ओके हुआ है नहीं। तो ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है, जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड से मेरा पॉजिटिव चलता है और राइट हैंड साइड में मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ये प्लस ये माइनस मिलेगा, रेड एंड ब्लैक कलर का वायर। तो ये मेरे टेस्टर का है, तो कुछ इस तरह से LED टेस्टर है। ठीक है, आपके सामने में, चलिए चेक करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसकी लाइट के इफेक्ट है या क्या जलता है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। यानी कि हमारा कनेक्शन ओके है, सही तरह से काम कर रहा है। अब करना क्या है दोस्तों, इसको हीटसिंक से इसको स्लिप रेडी करना है फटाफट। ठीक है, तो एक एक को निकालना है, एक एक को रेडी करते हुए चलना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि काम हमारा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको यूज करेंगे, लेग सेपरेटर इसके अंदर में देना है बीच में, उसके बाद हीटसिंक ट्यूब इसमें चढ़ाना है। LED में आपको जितना रखना है, ठीक है, डिस्टेंस उतना कवर करके आपको हीट चलाना है। ठीक है,
दोस्तों इस तरह से मेरे को सेट रेडी करना होगा। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 20 एलईडी का सेट रेडी किया हूँ, उसी तरह से आपको और जो बाकी एलईडी है उसका रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और 30 एलईडी का सेट रेडी करना होगा, तो फटाफट से चले दोस्तों। और ये जो एक एलईडी छोड़ दिया हूँ इसके लिए कि ये मुझे पता चले कि इसका साइड इधर साइड मेरा नेगेटिव है और पॉजिटिव साइड मेरा कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से और जो जो एलईडी यहाँ पे कवर हो चुका है उसको मैं बाद में ब्लेड से कट कर दूँगा और ये उसकी जो कवर है वो निकल आएगी, ठीक है। तो कटिंग के टाइम ये जो स्ट्रिंग है हिटसिंग ट्यूब वो थोड़ी सी ज़्यादा कट गई है, तो इसीलिए वो पूरी एलईडी को कवर हो गया है, ठीक है, ये बाद में निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 सेट रेडी हो गया है, ठीक है। तो अब करना क्या है दोस्तों, अब इसमें ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। क्यों ट्विस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट बना है, जैसे कि ये एक सेट बना है और ये एक सेट बना है और एक सेट बना है। तो अभी इसको मैं लंबा जोड़ दूँ तो अभी उसको ट्विस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी जितना भी सेट अभी रेडी हुआ है उसको मैं अभी से इस तरीके वायर से ट्विस्ट करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मेरा जो राइट हैंड साइड में मेरा ये माइनस का कनेक्शन होगा, तो ये जो वायर है, ये जो सोल्डिंग करूँगा अभी, ये पूरी माइनस का वायर है, ठीक है। तो माइनस की वायर पूरा चलेगी इसमें। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट रेडी हो गया है, अब इसको मैं इस तरह से वायर को ट्विस्ट करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे को ट्विस्ट करना है, तो फटाफट चले मैं ट्विस्ट करता हूँ। ये सेट रेडी होने के बाद इसके साथ इसको भी मैं इसके साथ ऐड करूँगा, तो चलिए उसका भी स्टेप आपको दिखाऊँगा। तो सब कुछ तो हो गया है, इसको फाइनल ट्विस्ट करता हूँ और पूरी पूरी आपको लास्ट में आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनी है, कैसा बना है, ठीक है। और इसको सर्किट में लगाएंगे और इसको जला के दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनल यहाँ पे सीरीज रेडी हो चुका है, इधर में 25 एलईडी और इधर में 25 एलईडी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इस सर्किट यूज करने वाले हैं, इस टाइप की SMD सर्किट, ठीक है। इसमें AC इनपुट के साथ DC आउटपुट निकलेगा, कंडेंसर का प्लस माइनस देख के आपको इसको कनेक्शन करना है। और इसके लिए यहाँ पर मैं छोटी सी वायर ले रहा हूँ उसी वायर का, और साथ में ये इसकी कवर, ठीक है, प्लास्टिक का। तो चलिए दोस्तों इसमें कनेक्शन करते हैं। तो PCB में आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो कंडेंसर में माइनस की तरफ माइनस, प्लस की तरफ प्लस कनेक्शन करना है। और इधर में आपको AC के लिए इनपुट देनी है, सप्लाई देनी है। और इस सर्किट में दोस्तों 40 से 50 LED आराम से इसमें ग्लो करवा सकते हैं। अगर सेम कलर का वायर है तो इसकी पहचान के लिए आप छोटी सी निशानी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे छिल लिया हूँ तो ये मेरा पॉजिटिव है, और जो नहीं छिला हूँ वो मेरा नेगेटिव है। दोबारा से आप इसको जांच कर लीजिएगा, सेम कलर का वायर होगा अगर होगा, नहीं तो प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। प्लस और माइनस मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसको वायर को मजबूत के लिए मैं उसी कैपेसिटर की वायर से इसको इसके ऊपर मैं राउंड कर दे रहा हूँ, ये और मजबूत हो जाएगा। और AC लाइन में आप कोई सा भी वायर किधर भी दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर कनेक्शन कर दूँगा AC वाली लाइन में। तो ये जस्ट नॉर्मल है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर चाहें इसको और सेफ्टी के लिए इसमें आप हॉट ग्लू भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये पूरी वाटरप्रूफ हो जाएगी। या तो इसकी हीटिंग ट्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं या तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं, जला के देखते हैं हमारा लाइट किस तरह से ग्लो होता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा RB और RG का ये 6 सीरीज लाइट, जो कि 50 LED बल्ब का है। तो आप भी चाह के इसको बना सकते हैं,
तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।